चले। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में। ब्लॉक की अगर बात करें तो उरुआ ब्लॉक है ये। जैसा कि कल पर्चा खरीद के वक्त थोड़ी बहुत यहाँ पे परेशानी, थोड़ी बहुत स्थिति विपरीत गई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए आज चूँकि पर्चा दाखिला होना है, तमाम फोर्ट मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं मुस्तैद है, प्रशासन की व्यवस्था है। अब देखना ये है कि क्या पर्चा दाखिला शांतिपूर्वक उरुआ ब्लॉक में हो पाता है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ फोर्स तैनात है। अभी आप विजुअल में भी देख रहे होंगे, जब हम लोग मुख्य गेट से एंट्री किए वहाँ से लेके अब तक पूरी तरह से फोर्स मुस्तैद है। कल की जो भी घटना थी उसको लेके आज प्रशासन पूरा अलर्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब देखना ये है कि अभी कुछ ही क्षणों में, एक दो या तीन घंटे की बात है, इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और स्थिति बहुत ही दिलचस्प होने वाला है पर्चा दाखिला। क्योंकि अगर अब तक की बात किया जाए, जिस हिसाब से चुनाव अब तक के हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और अब प्रमुखी का चुनाव, तो सब मिला जुला कर अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरह से तमाम चीज़ों को हैंडल करती है। क्योंकि कल जो भी सारी चीज़ें थी उसको लेकर कहीं ना कहीं आज प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद, बिल्कुल अलर्ट नज़र आ रही है। और कल आपने जो वायरल वीडियो देखा था, तमाम चीज़ें हुई उसको मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, पर्चा दाखिला की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से चल रही है। और मेरे साथ यहाँ पे बगल में अंजनी कुमार पांडे जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह से आज सर बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड भारत टीवी पे आपका। कल का वीडियो और आज की ये व्यवस्था, क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक आप लोग निकाले जाएंगे? तो कल की जो स्थिति थी उसी ने हमें प्रेरणा दी है कि आज व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिसका परिणाम अभी तक का क्या रिपोर्ट है, किस तरह से अभी तक की स्थिति क्या है? अभी तक की स्थिति चौबंद है, हमारी फोर्स लगी हुई है, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है और सब कुशल बच्चा नामांकन कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे ए जी साहब भी हमारे घर में मौजूद भी खड़े हैं और पर्याप्त कोशिश लगी हुई है। बाकी सब बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये गोला सीओ अंजनी कुमार जी थे और मैं आपको बता दूं कि कल की जो व्यवस्था थी, कल जो कुछ भी हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आज प्रशासन की बात करूं, फोर्स की बात करूं, तो पूरी तरह से मुस्तैद है। अब देखने का विषय यह है कि क्या दोनों पार्टियां पर्चा दाखिला करने के बाद मैदान में आती हैं, चुनाव होता है या फिर कोई एक निर्विरोध चुना जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि जनता के दिलो दिमाग में सवाल बन के बैठा हुआ है। फिलहाल सारा अपडेट इनसाइड भारत टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आशुतोष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।